कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी जी का तो पूरा देश है, 148 करोड़ लोग उनके परिवार के लोग हैं। जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसका परिवार पूरा देश की जनता होती है, लेकिन जो जनता है उनके परिवार को तो आपने देखा नहीं। अब आप परिवार की बात कर रहे हैं, आपसे परिवार तो संभलता नहीं। आपने एक एक घर में कलह पैदा कर दी, आपने एक एक घर में लड़ाई पैदा कर दी। 5,000-6,000 रुपया आमदनी है और खर्चा 15,000 रुपया, हर घर में हर महीने लोगों को कर्जा लेना पड़ता है, सोना गिरवी रखना पड़ता है, ब्याज में पैसा लेना पड़ता है, अपनी एफडी तुड़वाना पड़ता है, तब जाकर परिवार चल रहा है। तो परिवार की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी कभी समझी है ना समझ पाई। आज नहीं भैया, प्रारंभ से लेकर के आज तक एक परिवार के पीछे पीछे चल चल के देश का बंटाधार कर दिया। 50 वर्षों में देश कहां से कहां पहुंचना था नहीं किया, अब आज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, वो अभी मोदी जी के संदर्भ में। हम तो काम कर रहे हैं उनके साथ भैया, बैठकर चर्चाएं होती हैं, उस पर निर्णय होता है। इतने बड़े व्यक्ति उतनी ही सहजता के साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है देश की उस बड़ी चर्चा पर जिसकी आंच और जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं परिवारवाद के उस मुद्दे की जिस पर अब तक ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा और इसीलिए मोदी ने ये दांव चल दिया है कि उसका परिवार बनाम नेताओं का परिवार। तो परिवार किसका कौन सा है, अपने अपने परिवार को लेकर लोग जनता के बीच हैं और जनता तय करेगी कि किसके परिवार में ज्यादा दम है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और मोदी का नया दांव भी जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी का परिवार बताकर वो देश को अपना परिवार बता रहे हैं और इसका राजनीतिक असर क्या होगा। तो चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मनीष दयाल जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर राजनीतिक नजरिया रखेंगे के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और भाजपा का पक्ष हमारे साथ रखेंगे निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है और जैसे कि हमने बताया कि देश भर में ये चर्चा चल निकली है क्योंकि एक नया अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है मोदी का परिवार। अब मोदी का परिवार क्या है, तो 148 करोड़ लोग पूरा मोदी का परिवार है ये बताने की ये मुहिम चल रही है। सोशल मीडिया में बीजेपी के नेता अपने आगे मोदी का परिवार लिख रहे हैं, पर इस मुहिम के जरिए निशाना भी साधा जा रहा है कांग्रेस पर। तो कांग्रेस भी चुप नहीं है, वो बता रही है कि मोदी का असल में परिवार कौन सा है, कौन लोग उसके करीबी हैं। इस तरीके की मुहिम कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये एक तरीके से वार पलटवार परिवार पर हमें देखने को मिल रहा है। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं, पहले बीजेपी से समझ लेते हैं कि इस पूरी मुहिम के पीछे मकसद क्या है। निशिकांत जी, मोदी का परिवार बताकर क्या बताने की कोशिश है, बीजेपी क्या जताना चाहती है, भावात्मक रूप से लोगों को अपने तरफ करने के लिए इस तरीके का मुद्दा आप लोगों ने उछाला है। मोहन जी, पहले तो आपको नमस्कार। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां वसुदेव कुटुंबकम की बात से पूरे विश्व को ही परिवार माना जाता है। हम सबको अपना परिवार के रूप में ही देखते हैं, लेकिन अभी परिवारवाद के एक जनक 1975 में राजनीति में आए, उनके अब बेटे राजनीति में हैं, उन्होंने कहा मोदी जी का परिवार नहीं है। मोदी जी का कुनबा कितना बड़ा है वो आप आकलन नहीं कर सकते। सीधा बेनिफिशियरी जो है 65 करोड़ से 70 करोड़ है, तो ये मोदी जी का परिवार है। और आपको ध्यान होगा मोहन जी, जब मोदी जी गुजरात में थे तो पूरे गुजरात को अपना परिवार बताते थे और उनके प्रति संकल्प के साथ काम करते थे। आज जब 2014 से 2024 में हम आ गए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में, देश के सेवक के रूप में, पूरे देश की जनसंख्या 140-145 करोड़ उनका परिवार है। और ये जो परिवारवादी हैं, परिवारवाद के वर्सेज जो लड़ाई चल रही है, राष्ट्रवाद की लड़ाई चल रही है, इनमें क्या है कि हमारा बेटा, हमारी भतीजी, हमारी भांजी, हमारा जीजा, इनको आगे बढ़ाना है। लेकिन मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है मोहन जी, वो राष्ट्र को विश्व में सबसे ऊपर स्थान दिलाने का प्रयास है। चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे जो डायरेक्ट बेनिफिट भी हमारे हैं, शौचालय के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से, पीएम आवास के माध्यम से, ढेरों ऐसी योजनाएं हैं जो बिना परिवारवाद के चल रही है, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र को परिवार के बोध के रूप में हम लोग देख के आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो हम पे आरोप कल लगाइए, इनका सीधा इंडिकेट क्या था मोहन जी,
इनका इंडिकेट था कि जो उनके समय में, वो अपने समय में जब उनकी शादी हुई और पत्नी से अलग हो गए, ये आरोप और तंज था। लेकिन आधी बात ये बताते हैं मोहन जी, पूरी बात ये है कि मोदी जी ने पूरे परिवार को छोड़ा, माँ भाई पत्नी समाज प्रदेश जिला सब को त्याग के आगे बढ़े। लेकिन एक ऐसी ही घटना मोदी मैं आपके संज्ञान में लाता हूँ, वो भी देश की महिला थी, वो महिला ने दो बच्चे होने के बाद अपने पति को छोड़ा और ऐसा छोड़ा कि कहीं का ना छोड़ा और कहाँ दफन है वो भी पता नहीं है। वैसे लोग आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं, बात सिर्फ राष्ट्र प्रथम का है, नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड और स्वयं तृतीय लाने वाला भाव जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी बाकी परिवारवादी पार्टी नहीं ला सकते। लेकिन मोदी जी पर लांछन लगाने से कुछ होगा नहीं साहब, आपको टक्कर देना है तो अपने कार्यों से, अपने पुरुषार्थ से टक्कर दो। आप लगातार 23 साल से लड़ रहे हो उस व्यक्ति से, आज तक हरा नहीं पाए, ये भी चुनाव आप हरा नहीं पाओगे जी मोहन जी। जी चलिए, एक बड़ी मुहिम और मुहिम के जरिए न केवल सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश बल्कि दूसरों को ये बताने की कोशिश कि उनके परिवार में कौन कौन है, तो एक तरीके से अपने आप को अच्छा बताने की भी कोशिश और जो विरोधी है उनकी खामियां भी इस अभियान के जरिए बताई जा रही है। हम चलते हैं कांग्रेस की ओर, कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। मनीष दयाल जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मनीष जी, ये बात बार बार आप लोगों की टांग खींची जाती है इस मामले में कि परिवारवाद वाली पार्टी है, परिवारवाद है, और ये बता बताकर आप लोगों को कई बार बैकफुट में भी डाला जाता है। अब लोकसभा चुनाव है, मोदी ने अभियान चला दिया है, इस अभियान को कैसे लेते हैं, क्या आप लोगों के लिए नई चुनौती है ये अभियान? देखिए मोहन जी, सबसे पहले परिवारवाद की बात वो ना करे जिनके पार्टी में पूरा परिवारवाद बसा हो। आप राजनाथ सिंह से लेके सबसे बड़ा उदाहरण अमित शाह है, उनके लड़के जय शाह क्या है, तमाम ऐसे उदाहरण, अनुराग सिंह है, उनके बच्चे भी आ गए, तीन पीढ़ी हो गई उनकी, तमाम ऐसे नेताओं की मैं लिस्ट दूंगा दिखाऊंगा तो लगभग मुझे लगता है 15 मिनट उनके नाम पढ़ने में लग जाएगा। तो परिवारवाद की पार्टी की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करें, क्योंकि उनके खुद ही जितने नेता ऐसा परिवार में डूबे हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात चल रही है मोदी जी का परिवार, परिवार क्या होता है मोहन जी, परिवार में माँ होती है, बाप होता है, पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं। जो व्यक्ति अपनी माँ को त्याग करके आ जाए, जो व्यक्ति अपने बच्चों, जो अपनी पत्नी को छोड़ के आ जाए, वो परिवार की परिभाषा क्या समझेगा? इतनी राजनीति की इतनी महत्वाकांक्षा, इतनी लालसा कि परिवार को त्याग दिया। परिवार को, मैं दुबे जी का सुन रहा था, उन्होंने सबको त्याग दिया। अरे त्याग करके लोग जो है संन्यास जाते हैं, सन्यासी बनते हैं, राजनीति में ऊंचा पद पाने के लिए त्याग नहीं करते। हाँ, यदि आपकी शादी नहीं हो, आपके कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, समझ में आता है, इतनी अच्छी उनकी वाइफ है, अक्सर दिखाता है, मीडिया देखता हूं मैं, उनकी माता जी, उनको छोड़ के आप त्याग करके राजनीति की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं। अभी विकास उपाध्याय जी कह रहे थे, बहुत अच्छी चीज कह रहे थे, परिवारवाद, चलो आप देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री आप बोलते हो मेरा देश पूरा परिवार है, ठीक है, दुबई यही चाह रहे थे ना बुलवाना, पूरा 148 करोड़ मेरी जनता परिवार है, तो क्या परिवार के दर्द को समझा आपने? परिवार में क्या बुरी स्थिति देखा आपने? यहाँ पे आपके परिवार की बहनों को महतारी योजना में, छत्तीसगढ़ में मोदी गारंटी बोला था, उस पे बोला था महतारी वंदन योजना 12,000 मिलेंगे, 29,000 फॉर्म मोहन तिवारी जी, आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ, कल और पता नहीं 29,000 फॉर्म को रिजेक्ट किया उन्होंने, पूरे नियम कायदे से भरने के बाद भी रिजेक्ट किया है। काय का फिर आप बोलते हैं कि मोदी गारंटी है, परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं? अरे यहाँ पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आए दिन यहाँ लूटपाट हो रहा है। एक स्पेन की लड़की आई थी इंडिया में, देश तो हमारा है ना, मोदी जी प्रधानमंत्री जवाबदार है ना, परिवार के मुखिया है ना, स्पेन की बाहर की एक महिला आई थी घूमने के लिए, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, और आज 10,000 पाउंड यूरो आपने भेज दिया उनको। तो ये आप जब परिवार में रह के अपने परिवार वालों की सुरक्षा नहीं कर सकते, उनको रोजगार नहीं दे सकते, उनको जो स्टूडेंट आपके परिवार में है उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यवसाय नहीं मिल रहा है, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं रहा है, मूल्य नहीं मिल रहा, तो आप परिवार चलाने में सक्षम नहीं है। पांडे जी, एक साथ आपको ऐसे जवाब लूंगा आपसे, लेकिन शर्मा जी का एक व्यू जान लेते हैं, उसके बाद आऊंगा आपके पास। के शर्मा जी, इस तरीके के अभियान के जरिए पहले भी बीजेपी ने सफलता हासिल की है, मैं भी चौकीदार अभियान चलाया गया, अब मोदी का परिवार अभियान चलाया जा रहा है, बताने की कोशिश यह है कि मोदी के परिवार में सारे देश के लोग जुड़े, इस तरीके के अभियान का कितना फायदा या नुकसान भी हो सकता है, क्या क्या लगता है आपको? देखिए मोदी जी,
भी आप राजनीतिक देखेंगे ये एक आक्रामक शैली की बात कर सकते हैं। जैसे मैं भी चौकीदार के चला, फिर चौकीदार चोर है की बात चली, तो अब इस बार जो परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं, तो परिवारवाद में प्रमुख रूप से कहा जा सकता है सपा की बात होती है, बिहार में बात हो जाती है, तमिल में बात हो जाती है, तमिलनाडु, इस प्रकार से भाजपा के भीतर भी परिवारवाद की बात है। ये चर्चा अभी नहीं हो रही, लंबे समय से हो रहा है। राम मनोहर लोहिया ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की थी उस समय, एक लाइन बताने के लिए कि कब से ये चल रहा है कि लोकतंत्र के लिए परिवारवाद जो है नुकसानदेह है। इसके साथ ही योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर यदि कोई आता है, पुत्र डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर यदि योग्य है, डिग्री लेके आता है, तो उसको समझा जा सकता है कि ये परिवारवाद मतलब केवल परिवार। इसका नुकसान जो ज्यादातर आप देखेंगे नीचे स्तर पर, पंचायत से लेकर ऊपर तक, खासकर महिलाओं की टिकट को लेकर, बात महिलाएं टिकट मिलती है लेकिन पुरुष काम करते, इस प्रकार से जो रुकावट होती है, नुकसान होता है बहुत सारे। छत्तीसगढ़ में परिवारवाद को रोकने के लिए आप देखें, पहली बार बस्तर में ऐसा हो रहा है कि महेश कश्यप को टिकट मिली, उससे पहले पूरे ये उस परिवार से कोई लेना देना नहीं, केदार कश्यप बलिराम परिवार से ये अलग है, नया चेहरा है, लेकिन बलिराम कश्यप लगातार रहे, उसके बाद महेश कश्यप वहां पे राजनीति में रहे, उसको रोकने की कोशिश की गई। दूसरी ओर राजनांदगांव में देखिए, रमन सिंह के सुपुत्र इस बार सशक्त दावेदार के रूप में थे, पूर्व सांसद थे, उनकी टिकट काटी गई। इस प्रकार से एक प्रयास हो रहा है भाजपा के भीतर भी, निश्चित रूप से ये सब है, और संसद में इसका लंबा चर्चा भी हुआ है, लेकिन केवल किसी का पुत्र है इसीलिए उसको टिकट दे दी जाए, ये जनता को समझने वाली बात है। ऐसे परिवारवाद को ठुकराना कांग्रेस, मतलब जनता को विचार करना है कि कांग्रेस, भाजपा, सपा या किसी भी दल की बात रहे इसमें। लेकिन दूसरी चीज ये होती है कि अभी जो बात कर रहा, व्यक्तिगत हमला जो चल रहा है, व्यक्तिगत हमला मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए चुनाव के दौरान जो चलता है ये निश्चित रूप से अनुचित कहा जा सकता है ये। और इसमें जो बात कह रही है उनके परिवार नहीं है, बच्चे नहीं, इसको लेकर बात कर, देखिए हिंदू धर्म में चार भाग में जीवन को बांटा जाता है, बचपने की बात रहे, फिर वैवाहिक जीवन रहता है, फिर वानप्रस्थ की बात आती है, फिर संन्यास की भी बात है, संन्यास को जीवन का एक हिस्सा माना गया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो परिवार को छोड़कर तो अलग चले जाते हैं, जो अपने आप को संन्यासी कहते हैं, जो बात अभी कांग्रेस के भाई जी कह रहे थे, तो संन्यास लेना अलग, लेकिन ये संन्यासी हो गए, आरएसएस में बहुत सारे लोग हैं जो शादी नहीं किए हैं, तो जिनका परिवार नहीं है कहना गलत है। तो कहने का मतलब ये, इसमें राजनीतिक रूप से यदि कोई लाभ उठा रहा है केवल परिवार के चलते ही, परिवार के सदस्य होने के नाते, इस पर रोकने की बात है। बिल्कुल, चलिए, परिवारवाद किसी एक पार्टी में नहीं है, कई जगह है जी, बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है जी। पांडे जी, लब्बल हुआ अब ये है कि आप लोग केवल ये बोलकर दूर नहीं रह सकते इस परिवारवाद की विकृति से कि भाई हमारे यहाँ नहीं है परिवारवाद, सबके यहाँ है, और ये कोई एक पार्टी के का दोष नहीं है, सभी पार्टियां इससे जुड़ी हुई हैं। और मनीष जी ने जो सवाल किया वो ये कि अगर देश को परिवार मानते हो तो हर व्यक्ति को उसका लालन पालन, उसके दुख दर्द को भी समझने की जरूरत है। दोनों सवाल का जवाब आप दे दीजिए। जरूर मोहन, देखिए परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में कतई नहीं, परिवारवाद का अर्थ समझिए, ये जानबूझ के लोग भटकाते हैं, लटकाते हैं मामले को। परिवारवाद का मतलब यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा ही या बेटी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगी, प्रधानमंत्री का बेटा या बेटी ही प्रधानमंत्री होगी, अगर बाप चला गया तो बेटे के हाथ में ही पूरी पार्टी होगी, इसको बोलते हैं परिवारवाद। किसी मंत्री का बेटा विधायक या संसदीय चुनाव लड़ लिया और वो परिवारवाद होता है, समझिए, परिवार का एक व्यक्ति यदि वापस उसी फील्ड में आ रहा है तो परिवारवाद कहते हैं। आप गलत परिभाषा मत दीजिए, लोगों को दिग्भ्रमित मत करिए, प्लीज, आपसे निवेदन था। इन्होंने मोदी जी के व्यक्तिगत टिप्पणी की, मैं नाम नहीं लिया था, अब नाम लेके बोलता हूँ। इंदिरा जी दो बच्चे होने के बाद अपने पति को छोड़ी और ऐसा छोड़ी कि दुनिया में कोई पूछा नहीं आज तक उसके बारे में क्या कहूँ। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, न माँ का कोई दूसरा है, न बेटे का दूसरा है, दोनों अलग अलग बंगले में क्यों रहते हैं एक ही शहर में? कहोगे क्या कि माँ अगर बीमार है और बेटा दूसरे बंगले में मौज मस्ती कर रहा है? आप जाकर देख के आए क्या? आप देख के घर के घर पे क्या साथ में रहते हैं, अलग रहते हैं भाई, दोनों अलग अलग जगह सांसद है, दोनों को अलग अलग बंगला लौट है, आप गलत बात कर रहे हैं ना। गांधी को भी अलॉटमेंट था क्योंकि विषय पाते हैं की बात इन्होंने किया, मोहन की बात थी, कहां घटना हुई जाकर सरकार किसकी है? कांग्रेस और जेएमएम की। शर्म आती है सवाल उठाने में। रही बात आपने बोला कि देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, देश की जनता त्राहिमाम नहीं कर रही है। जब 21वीं सदी में अगर शौचालय बना के महिलाओं का सम्मान बढ़ाया जा रहा है,
वो मोदी सरकार की गारंटी है। जब पीएम आवास के नाम से गरीबों को आवास दिया जा रहा है वो मोदी जी की गारंटी है। ठीक है पांडे जी, सवाल ये भी आ रहा है कि परिवारवाद तो शुरू से शुरू होता है पंच सरपंच से। अगर आप लोग की पार्टी में ऐसा कोई नियम है तो किसी भी नेता के पुत्र को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। परिवारवाद से भाजपा भी थोड़ी अछूती है। नहीं मोहन जी, बिल्कुल अछूती है भाजपा। मैं बोल रहा हूँ ना, प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। हमारे अलावा रुके रुके आपको नाम बता रहा हूँ, आप प्रमाण दीजिए, मैं बता रहा हूँ नाम। आप नाम सुनिए, किससे किससे परिवार में कौन कौन क्या क्या है। सुनिए अमित शाह जी के, जय शाह जी सुनिए, और बता रहा हूँ नाम। आप बोलो ना, बिल्कुल आज बोलते हैं कि दादी से नाक मिल गई इसलिए प्रियंका गांधी को टिकट उनके बेटे अनुराग ठाकुर और उनके बेटे राजनीति में है। ठीक है, फिर आपको बता रहा हूँ व्रत प्रकाश गोयल, पीयूष गोयल जो मंत्री है, ठीक है, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, ठीक है, विजयवर्गीय जी, उनके लड़के आ गए, पूरे डिटेल आकाश विजयवर्गीय जी, वो भी चुनाव लड़े इंदौर से। और बता रहा हूँ आपको मैं, सी अधिकारी जी उनके लड़के हैं, सुधीशु अधिकारी, अर्जुन पवार की बेटी है भारती प्रवीण पवार, ठीक है, मंजुला के ठाकुर, शांतनु ठाकुर, बीरेन्द्र सिंह के लड़के हैं, इंद्रजीत सिंह आपके, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र प्रधान जी के लड़के हैं, छत्तीसगढ़ का बताओ, छत्तीसगढ़ का रमेश बैस जी के भाई थे, श्याम बैस जी, अभिषेक सिंह जी, रमन सिंह जी। चलिए मैं सवाल कर रहा हूं, आप मान रहे हो ना परिवारवाद है भाजपा में कि नहीं, आप बताइए, बताइए मान रहे हो ना, बस मैं वही पूछा रहा था, माने नहीं तो और लिस्ट है मेरे पास लंबी। बताओ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, बताओ राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये कौन सा भैया परिवार का, यदि एक व्यक्ति, सुनिए आप सुनिए, परिवार क्या होता है, यदि कोई डॉक्टर है और उसका लड़का गायनेकोलॉजिस्ट बना है और बाप जो ऑर्थोपेडिक है तो क्या जरूरी है गायनेकोलॉजिस्ट बनेगा। परिवार के बाद एक ही फील्ड में अपनी प्रभाव डालते हुए उस पार्टी में उसको लाना। चलिए पांडे जी का व्यू तो सुन लेते हैं। पांडे जी, इन्होंने लिस्ट बता दी मनीष दयाल जी ने, वो ये कह रहे हैं कि ये भी एक परिवारवाद है जी, अगर किसी का पुत्र भी विधायक या सांसद बनता है। जवाब दे रहे हैं, दे रहे हैं सुनिए सुनिए जवाब पांडे जी। अच्छा बता दीजिए, सवाल के बदले में एक सवाल करता हूँ माननीय मनीष दयाल जी, एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बना हो, प्रदेश अध्यक्ष का बेटा अगर प्रदेश अध्यक्ष भी बना हो तो आप बता के दिखाओ मुझे। तो सुनिए ना, यदि प्रधानमंत्री बेटा प्रधानमंत्री बनता है, कैसे बनता है, कैसे बनता है, चुनाव जीत के बहुमत से बनता है ना, कि ऐसे ही बन जाता है, चुनाव जीत के बहुमत से बनता है। लेकिन आज इस मुहिम पे हम चर्चा कर रहे हैं परिवारवाद की, दोनों पक्षों की अलग अलग परिभाषा। चलिए परिवारवाद तो आपकी पार्टी में है, ये तो मैंने बता दिया, प्रूफ कर दिया। आप ये बताइए कि मोदी जी परिवार के मुखिया है, यदि पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं, देश के युवाओं के लिए। हमारे डीएनए में राष्ट्रवाद है मनीष दयाल जी, इतना ही अंतर है हमारे आप में। आप परिवारवाद के जनक हो, हम राष्ट्रवाद के जनक हैं। चलिए जनता इस पूरे, ठीक है, चलिए आऊंगा आऊंगा आपके पास। अभी तक आप कौन से राष्ट्र में रहते हैं, के शर्मा जी से, के कांग्रेसियों ने आप लोगों के नेताओं आएंगे और आप राष्ट्रवाद के जनक है, वाह ताली, अंग्रेजों के मुखबिर रहे वे लोग अपने आप राष्ट्रवाद की तरफ बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। समय मिलेगा, 10 सेकंड मोहन जी जी बोलिए। हमें अंग्रेजों को मुखबिर कर रहे हैं, 1910 तक तो अंग्रेज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, शर्म नहीं आता आपको बात करने में, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस के आपको आप अंग्रेजों की मुखबिरी करके यहाँ पे आवाज की दिक्कत आ रही है, चलिए ठीक करिए। किसका हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बताओ, जो ब्रिटिशर था शर्म नहीं आती। चलिए मैं आऊंगा, राहुल जी की, सोनिया पांडे जी आपके पास एक बार जुड़ने की कोशिश करते हैं। खोया उन्होंने, दादी खोया, ऐसे लोग के शर्मा जी से समझ लेते हैं। मनीष दयाल जी, मैं आपके आपका पॉइंट आ गया, अब चलते हैं। मुहिम जो चलाई जा रही है इसको कैसे जनता लेगी, क्या इसका कुछ असर भी हो जाता है, क्या विपक्ष थोड़ा इस मामले को लेकर प्रतिक्रियावादी बन गया, ज्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या इसका असर पड़ रहा है, इसीलिए प्रतिक्रियाएं तेज और तीखी आ रही हैं विपक्ष की ओर से।
राजनीति में परिवारवाद को रोकने में ये जो चर्चा हो रही है ये सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए। इसको ऐसे कहेंगे तो लगभग 156 सांसद आते हैं अभी जो कोई परिवारवाद से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोग कहीं ना कहीं राजनीति में रहे हैं वो लोग, यहाँ तक सांसद की बात कर रहा हूँ, फिर पंचायत स्तर पर तो फिर आप बात छोड़ दीजिए। अब दूसरी चीज, इसको यदि समझना है आम लोगों को क्या बेहतर है क्या नहीं, इसको छोटा सा उदाहरण यदि मेरे दिमाग में आता है तो पीएससी घोटाला जो हुआ है यहाँ पे, एक परिवार एक अध्यक्ष का सुपुत्र के रूप में यदि उसका चयन हुआ है तो ये घोटाला है। और उसी तरह से परिवारवाद में केवल उसके नेता का बेटा ही नेता यदि टिकट उसी कारण मिलता है तो ये एक परिवारवाद है। यदि योग्यता के अनुसार जिसका चयन हुआ है चाहे वो नेता और अधिकारी का बेटा ही क्यों ना हो, अधिकारी के लिए पीएससी में यदि उसका चयन होता है, जिस तरह से कांग्रेस कहती रही है कि अधिकारी और नेता का बेटा भी अधिकारी और नेता बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन जिस तरह से यदि भ्रष्टाचार घोटाले से यदि पीएससी में चयन होता है उसकी बात करें, या राजनीति में जिस तरह से केवल टिकट, वहां कोई दावेदार नहीं है तो उसके परिवार के सदस्य को ही हम टिकट दे दें तो ये परिवारवाद की श्रेणी में आएगा। और परिवारवाद को लेकर ठीक है, चलिए ये जो जी श्रेणी है वो अलग अलग होती है, परिवारवाद अगर है तो इस बात से भी परिवारवाद पनपता है जिसमें एक नेता का बेटा नेता बनता है, हालांकि इसको देखने का नजरिया अपना अपना हो सकता है। पांडे जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, पांडे जी जुड़े हुए हैं, चलिए पांडे जी, ये अभियान एक भावात्मक रूप से मोदी से लोगों को जोड़ने की कोशिश है, क्या लग रहा है भावात्मक रूप से सहानुभूति कार्ड खेल के एक सिंपथी बनाने की कोशिश की जा रही है इस अभियान के जरिए बीजेपी के द्वारा, और इस आरोप से कैसे बचेंगे? पांडे जी ठीक है, चलिए मनीष दयाल जी, ये अभियान तो अपने आप में अनोखा है, अगर देश को अपना परिवार कोई बोल रहा है तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? और इस तरीके के अभियान चलाने का अधिकार है, बीजेपी चला रही है अभियान और लोगों को उसमें जोड़ रही है, बीजेपी के नेता अपने आप को मोदी का परिवार बता रहे हैं। देखिए मोहन जी, हमने शुरू से कहा है कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसके लिए देश की जनता, प्रदेश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके प्रदेश की जनता उसके एक परिवार होता है। मुझे हमें कोई दिक्कत नहीं, ना कांग्रेस पार्टी कोई दिक्कत है, वो अपना परिवार कहे, लेकिन हम उनसे एक परिवार के सदस्य होने के नाते, क्योंकि चूंकि हम भी उस देश की जनता है, उनसे हम सदस्य होने के नाते अपने परिवार के मुखिया से पूछ सकते हैं कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए आप अच्छे कदम क्यों उठा रहे हैं, बेरोजगार मेरे भाई है उनको रोजगार क्यों दे रहे हैं, मेरे जो यहाँ पे किसान भाई है जिनको धान की फसल का मूल्य नहीं मिल पा रहा उनको क्यों नहीं कर रहे, आप हिंदू मुस्लिम जो हमारे सब भाई एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनमें क्यों आप झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो एक परिवार के यदि मुखिया का आपने पद लिया है तो आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसे आप बिल्कुल निष्पक्षता के साथ निभाए। यदि पक्षपातपूर्ण रवैया होगा, आप अपनी जिम्मेदारियों से जवाबदारी से भागेंगे तो निश्चित रूप से आप पे उंगली उठेगी, जैसे पहले चौकीदार चोर करके उंगली उठी थी वैसे ही इस तरह का कुछ ना कुछ और कोई ना कोई उंगली उठाएगा। मैं नहीं, आप 148 करोड़ जनता है उनके परिवार के सदस्य कोई ना कोई निश्चित रूप से उठाएगा। लेकिन इससे आप लोगों के पार्टी में जो परिवारवाद है उससे आप बच नहीं सकते, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। तो मैंने तो कहा ना मोहन भाई, परिवारवाद जो है जैसे अभी शर्मा जी ने कहा था, यदि वो उस काबिल है, उस व्यक्ति में योग्यता है तो निश्चित रूप से यदि किसी परिवार का सदस्य लड़ता है चुनाव, वो जीत के आता है तो वो उस पोस्ट पे जाता है। यदि मान लो मेरा पुत्र को या पुत्री यदि भविष्य में चुनाव लड़ती है, वो अपने दम पे चुनाव लड़ती जीतती है तो वो उस काबिल है, ठीक। लेकिन इसे राज्यसभा भेज दिया जाए या बिना चुनाव के आगे किया जाए तो वो कहीं ना कहीं प्रशिक्षित होता है। उसी तरह पीएससी का जो कहा उन्होंने, यही तो कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएससी के शर्मा जी ने जो कहा है, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि शर्मा जी अभी वो जो है मुद्दा आपने जो कहा है घोटाले वाली बात, अभी तक प्रूफ नहीं हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है। यदि प्रूफ होता है और निश्चित रूप में कोई अधिकारी उसमें होते हैं, भले वो कांग्रेस शासन का क्यों ना हो, मैं मांग करूंगा। चलिए आखिरी कमेंट के शर्मा जी का, समय कम है शर्मा जी, ये पूरा अभियान कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने वाला है, कांग्रेस बैकफुट में क्या आ जाएगी क्या, या फिर इसका कोई तोड़ भी निकाल सकती है कांग्रेस, आपका क्या आकलन है? देखिए परिवारवाद को रोकने का कोशिश कांग्रेस में भी, यदि कहते कांग्रेसी ये बात भी कह सकते हैं, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने उस समय सोनिया गांधी ने एक त्याग की बात आई थी कि सोनिया गांधी चाहती तो खुद भी प्रधानमंत्री बन सकती थी
या राहुल गांधी को बना सकते हैं, लेकिन एक परिवारवाद जो है, जो अन्य जो योग्य युवक जो रहते हैं उस पार्टी के भीतर की बात करें तो उनके जो हक रहता है उसको छीनने का काम कहीं ना कहीं हो जाता है, जिसको उसकी पार्टी के भीतर से विरोध के स्वर ऐसे प्रत्याशियों के खिलाफ उठाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए योग्य हो, कर्मठ हो, ईमानदार हो और उसमें विशेषज्ञता आदि है, राजनीति में आगे बढ़ने की लोकप्रियता है, उसमें जनता उसको चाहती है तो उसको आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तमाम केंद्रीय मंत्री के परिवार के जो है उनके परिवार के सदस्य रहे हैं, और जहां तक व्यक्तिगत जो हमला हो रहा है ये परिवार की राजनीति को लेकर नहीं है, मोदी के जो व्यक्तिगत जो हमला हो रहा है कि सिर क्यों नहीं मुड़ा है माता जी के निधन के बाद, आज एक अखिलेश जी का बयान है मेले में बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया मोदी जी को, इस टाइप से जो चल रहा है राजनीति इसका जनता में कितना असर होता है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में एक परिवारवाद जिस तरह से लगातार चल रहा है एक बड़ा विषय रहेगा, इसको भाजपा कितना भुना पाती है और जो सपा है और जो अन्य जो परिवारवाद कारक प्रमुख रूप से जिनको लगाया जा रहा है, मुलायम सिंह का परिवार, लालू यादव के परिवार या तमिलनाडु की जैसे बात करें तमाम राजनीतिक दल इस प्रकार से हैं, उन पर कितना असर पड़ता है और इसको भाजपा को 400 पार की जो बात करें उसमें कितना लाभकारी होता है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो इस बात को भलीभांति मोदी भी समझते हैं कि उनका मुकाबला उन क्षेत्रीय दलों से है जो कि एक परिवार के द्वारा संचालित होते हैं, और इसीलिए इस मुहिम के जरिए न केवल उनको बैकफुट किया गया है बल्कि अपने मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। यह सफलता जो है वो बताएगी कि कौन इसमें सही था कौन गलत था, जनता तय करेगी। चुनाव में यह मुद्दा उछल गया है, इस मुहिम को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, कितनी सफल होगी ये मुहिम इसका फैसला समय करेगा। लेकिन आज की चर्चा में हमने इतनी ही चर्चा की है, फिर कभी मौका मिलेगा तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मनीष दयाल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और निशिकांत पांडे जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यही खत्म करते हैं, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।